नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर किसी से भी अगर मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत की बुनियाद तीन बातें होती हैं। तीन बातों की वजह से किसी से मोहब्बत की जाती है। नंबर एक, ये तो उसके अंदर कोई कमाल होता है, उसके कमाल की वजह से उससे मोहब्बत की जाती है। नंबर दो, उसके कोई एहसान होता है बंदे पर, उस एहसान की वजह से उसके साथ मोहब्बत की जाती है। नंबर तीन, उसके जमाल और खूबसूरती की वजह से उसके साथ मोहब्बत की जाती है। याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये तीनों बातें मुकम्मल तौर पर पाई जाती थी। अगर आज हम किसी आलिम का तज़किरा करते हैं ना अच्छे अल्फाज में, उसके इल्म की वजह से हमें मोहब्बत है उसके साथ। किसी इंजीनियर का तज़किरा करते हैं अच्छे अल्फाज में, उसके फन की वजह से हमें मोहब्बत है उसके साथ। अगर किसी डॉक्टर का तज़किरा करते हैं किसी वजह से, तो वो ये है कि उसके तिब में महारत की वजह से मोहब्बत है उसके साथ। याद रखिएगा, दुनिया भर के अंदर जितने कमालात बिखरे हुए हैं, जितने उलूम बिखरे हुए हैं, जितने फन बिखरे हुए हैं, जितना कुछ कमाल का दुनिया के अंदर बिखरा हुआ है, वो याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर वो बिखरा हुआ सारा का सारा कमाल हुजूर के अंदर पाया जा रहा था। अगर आपने किसी को देखना है कि ये सारा कमाल जो दुनिया में बिखरा हुआ है किसी एक शख्स में पाया जाए, बिला मुबालगा वो मेरे नबी की जात है जिसमें सारा का सारा कमाल पाया जाता है। दूसरे नंबर पर, अगर हुजूर से किसी से मोहब्बत की जाती है उसके एहसान की वजह से, अरबी का मकोला है मशहूर, अरे इंसान अब्दुल एहसान, इंसान जो है ना वो एहसान का गुलाम है। कोई बंदा किसी मुश्किल में हो, आप उस मुश्किल में उसके काम आ जाए, सारे जिंदगी आपको वो नहीं भूलेगा। इस वो कहेगा, ये मेरा मोहसिन है, फला मुश्किल में मेरा काम आया है। याद रखिएगा, इंसानियत के, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, उस उम्मत के नहीं, इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन इस कायनात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम है, इससे बड़ा कोई मोहसिन नहीं है। इसलिए कि इंसान जब मौत के दरवाजे पर था, उस मौत के दरवाजे से घटा टोप अंधेरों से, जुल्मत की तारीकी से निकालकर अगर किसी ने इंसान को दुनिया के अंदर मकाम दिया है, याद रखिए वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। एक वक्त वो था जिस वक्त इस दुनिया में औरतों की मंडियां लगा करती थी। आज अगर औरत को घर का मलका बनाया है ना, याद रखिएगा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, सबसे ज्यादा एहसानात भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। नंबर तीन, किसी से मोहब्बत होती है उसकी जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से। इंसान के फितरत के अंदर शामिल है कि वो खूबसूरत चीज़ की तरफ मायल होता है, उसे अच्छी लगती है, वो चाहता है ये खूबसूरत चीज़ मेरे पास आ जाए, मुझे मिल जाए, मेरे घर में आ जाए। मिस्र की औरतों ने, हमने तो ये सुना है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा बेहतरीन था, मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखकर अपने हाथों की उंगलियां कटवाईं। मेरे मुसलमान दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न में कोई कमी नहीं थी, मैं सिर्फ हुजूर का हुस्न हुस्न यूसुफ से ऊपर साबित कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ तो काट दिए, ईमान नहीं लाया। ईमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को जिसने देखा, पहले ईमान लाया, फिर उंगलियां नहीं, गर्दनें कटवा दी। मेरे मुसलमान दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जितना हुस्न बिखरा हुआ है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हुस्न किसी एक शख्स में हमें नजर आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अकदस वो है जिसके अंदर तमाम दुनिया का बिखरा हुआ हुस्न हुजूर के साथ में जमा है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, जब सब चीजें हुजूर के अंदर कमाल दर्जे की मौजूद हैं, तो हुजूर से मोहब्बत भी कमाल दर्जे की होनी चाहिए ना फिर। हुजूर से मोहब्बत भी फिर कमाल दर्जे की होनी चाहिए ना फिर। फिर ये तो नहीं होना चाहिए, हमें हुजूर से मोहब्बत है, फजर की नमाज का वक्त है, हम बिस्तर में सोए हैं, हमें हुजूर से मोहब्बत है, माल हमारे पास
हुजूर से मोहब्बत है, सूद पर कारोबार हम कर रहे हैं। हमें हुजूर से मोहब्बत है, बदनजरी हम कर रहे हैं। हमें हुजूर से मोहब्बत है, धोखा फराड हम कर रहे हैं। मेरे मुसलमान दोस्तों, याद रखिएगा, हुजूर से मोहब्बत नारों का नाम नहीं, हुजूर से मोहब्बत इश्क के दावों का नाम नहीं, हुजूर से मोहब्बत हुजूर के लाए हुए दीन पर अमल पैरा होने का नाम है। जिस शख्स के अंदर ये दीन पाया जाता हो, जिस शख्स के अंदर हुजूर की सुन्नत पाई जाती हो, जिस शख्स की जिंदगी में हुजूर का अमल पाया जाता हो, अगर वो झंडा नबी लगाए ना, अगर वो नारा नबी लगाए ना, अगर वो लाइट नबी लगाए, याद रखिए सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाला वही शख्स है। जिस शख्स के अंदर हुजूर का दीन पाया जाता हो, ये असल और बुनियाद है। अगर हमारे अंदर हुजूर का दीन नहीं, आप एक नहीं हजारों झंडे लगा दो, हुजूर से मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।